भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 10वीं बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थी। 7 अक्टूबर से चल रही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज दी। ये मीटिंग हर 2 महीने में होती है। आरबीआई ने इससे पहले अगस्त में हुई बैठक में ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया था। महंगाई को लेकर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि खुदरा महंगाई के लक्ष्य 4% पर बने हुए हैं। हालांकि सितंबर महीने में महंगाई के आंकड़े बढ़े हुए लग सकते हैं। जीडीपी ग्रोथ को लेकर उन्होंने कहा कि कारोबारी साल 2025 के दौरान ये 7.2% रह सकती है। 12 सितंबर को जारी रिटेल महंगाई के आंकड़ों के अनुसार अगस्त महीने में रिटेल महंगाई बढ़कर 3.65% हो गई थी। जुलाई महीने में ये 3.54% पर थी। सब्जियों के महंगे होने से अगस्त महीने में रिटेल महंगाई बढ़ी थी। आरबीआई की महंगाई को लेकर रेंज 2% से 6% है। Would be aware this time we have 3 new external members in the MPC. The Monetary Policy Committee with 3 new external members met on 7th, 8th and 9th October. And after assessing the evolving macroeconomic and financial conditions and the outlook, the MPC decided by a majority of 5 out of 6 members to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF rate, remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate and the bank rate, they stand at 6.75%. Further, the MPC decided unanimously to change the stance, that is the stance of the monetary policy, to neutral and to remain unambiguously focused on a durable alignment of inflation with the target while supporting growth.